नमस्कार, मैं हिमांशी टक्कर और आप देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मोर्ची हाउस के बाहर, कल्पना चावला के मोर्ची हाउस के बाहर, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला जो कि इलाज करवाने के लिए अपना कल्पना चावला में आई थी, यहां पर जो है इलाज की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो है एक महिला की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि महिला की उम्र जो है करीब 31 साल बताई जा रही है और इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर के द्वारा जो है परिवारजनों के साथ बदतमीजी भी की जाती है। क्या कुछ परिवारजनों का कहना है, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर नमस्कार, क्या नाम था महिला का, कहाँ की रहने वाली थी और क्या बात हुई थी, सर बताएं। नमस्कार जी, गांव दर्ड से थी रीना देवी। उनको हल्का फुल्का बुखार था, हल्का फुल्का बुखार होने की वजह से कल सुबह 9 बजे उसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आए जी। जैसे ही यहाँ लेके आए, अपने आप चल के गई है वो इमरजेंसी में, तो डॉक्टरों ने उसका इलाज जैसे शुरू किया। डॉक्टरों के पास दवाई ना होने की वजह से उन्होंने सब दवाइयाँ जितने भी इतने बाहर से लिखी और ये हमारा भाई बाहर से दवाइयाँ लेके आया जी। तो डॉक्टरों ने जो उसकी कंडीशन थी इसको बोलने लगे भी ये 11-12 बजे इसको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। तो 11-12 बजे तक मतलब कोई कंडीशन ठीक नहीं हुई। जैसे उसकी तबीयत खराब होती रही, ये बार बार उसको बोलता रहा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कोई सुनाई नहीं की। शाम को 5 बजे जब वो डेड होगी तो उसको बोलता है आप अपनी इसको मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा सकते हो जी। तो बोलने का उनका भी थोड़ा गलत व्यवहार था, गलत व्यवहार की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है जी। डॉक्टर के खिलाफ इस बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है जी, कल से हम बैठे हैं, हमने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई है। पुलिस रिपोर्ट करवाने के बाद आज सुबह से बैठे हैं, अभी तक हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी हमदर्दी इस प्रशासन की तरफ से और ना डॉक्टरों ने अभी तक कोई पोस्टमार्टम किया। उनके खिलाफ़ भी इस बारे में मतलब हमारी जो अपील है, या तो हमारे को पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो जल्दी की जाए जी। सर परिवार में कौन कौन है, बच्चे हैं, क्या कुछ करते हैं? बच्चे छोटे बच्चे हैं जी, 10 और 12 साल के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जी, और जो उनका हस्बैंड है वो एक लेबर तबके के काम करते हैं जी, लेबर में जाते हैं अपना ये काम है जी। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिला की आपके आरोप हैं कि महिला की जो है डेथ हो जाती है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये तो डॉक्टर की लापरवाही है मैडम। एक अच्छी बली बच्चों को खाना खुना बना के आई, थोड़ा फीवर था उसका, फीवर की वजह से दवाई दी 9 बजे, क्या लगा चल फीवर है थोड़ा ठीक हो जाएगी, उसके बाद ये दवाई बाहर से ले आया। जब ये हॉस्पिटल है दवाई बाहर से क्यों मंगवाई गई, दवाई गरीब आदमी वास्ते होती होगी। फिर दूसरा चल परमात्मा की है तो डेथ हो जाती है, बट इनका बिहेवियर तो देखो ना आप लोग, डॉक्टर का ऊपर तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा के इसको बेचारे को निकाला गया, अगर उसकी घरवाली है, घरवाली के पास तो बैठेगा घरवाला, क्या दूसरे बैठेंगे? एक तो पहले डॉक्टर ने खुद गलती करी और ऊपर से फिर सिक्योरिटी मनमानी चला रहे हैं। हाँ जी, मनमानी बहुत ज़्यादा मनमानी की है, नहीं मरने वाली थोड़ी थी, ऑटो वाला बैठा, ऑटो में चल के खुद आई है, तो आदमी ज़्यादा सीरियस होना फिर कहता है। तो दर्शकों यहाँ पर मौजूदा हमने 2 लोगों से जो है बातचीत की, यहाँ पर ऑटो वाला जिसको बताया जा रहा है कि इस ऑटो में बैठकर आई थी, क्या कुछ कहेंगे सर आप, क्या हालत थी लेडीज की जब आप लेकर आए और बाद में क्या कुछ बातचीत हुई? डॉक्टर मैं ले गया घर से उसको, अपने पैदल चल के वो मेरे ऑटो में बैठ गया जी। आगे उसने अपने जेठानी को साथ में लिया, ठीक ठाक कोई ऐसी बात नहीं, बातचीत करते आए यहाँ। मैंने तो अपने आप उतर के नीचे से हॉस्पिटल में अंदर गई जी, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं थी, जी भाई डेथ हो सकती इसकी, एंड बड़ी अच्छे तरह लेके आए जी, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये तो सारे डॉक्टर के लापरवाही कारण सारा काम हो गया जिसका, क्यों मैंने फ़ोन भी किया दोबारा इसको, भाई कैसे है उसकी तबीयत कैसे है, ये बोला भाई डॉक्टर तब कोई कार्रवाई नहीं कर चल से, फिर मैंने बोला भाई तो दूसरी जगह ले जाने को निकाल, वो रेफर नहीं करने दे रहे डॉक्टर, इतनी बात हुई मेरे साथ इनके जी। ठीक है, तो सर आप बताएं, आप बता रहे थे कि मेडिसिन जो है वापस लेने की बातचीत भी कुछ चल रही थी, मेडिसिन बची हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैंने जैसे हमारी डेड बॉडी तो पुलिस वाले यहाँ पर ले आए थे जी मर्सरी हाउस में, तो मैं वहाँ पर गया काउंटर पे, मैं कहा जी जो हमारी रीना की जो दवाइयाँ बची हुई हैं हम अपने पैसों से लेके आए थे, मैं कहा आप हमारे को दे दो ताकि हम स्टोर वाले को दे के अपने पैसे ले सकें, मैं कहा इसके बेचारे के पैसे काम आ जाएंगे। तो 2-3 दफ़ा तो उसने मेरे को गुमराह किया जी, फिर मैं थोड़ा सा गर्म हुआ जी, फिर वो अंदर गई, अंदर से फिर आई, मेरे को बोली कि सर जो उसकी दवाइयाँ थी हमने वो सारी स्कोर लगा दी हैं, तो हमारी जो दवाइयाँ थी जी वो भी उन्होंने हमारे को नहीं दी हैं जी। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन से तो हमारी हाथ जोड़ के ही अपील है जी कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी और गरीब के साथ यह ऐसा अन्याय ना हो जी।
सर आप क्या कहेंगे, एक जो महिला है उसके साथ जो है डॉक्टरों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? गिरफ्तार होने चाहिए डॉक्टर जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है, पूरी जो है तहकीकात की जा रही है, आपको क्या लगता है अभी तक कुछ सोल्यूशन निकला? कोई निकल नहीं रहा जी, अभी नाम मात्र हो रहा है। मैंने उससे SHO साहब से भी बात करी थी और डॉक्टर से भी बात करी थी, अब डॉक्टर ये कह रहा है कि अभी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। मैडम जी जब उसकी डेथ ही होगी तब कोरोना क्या करेगा, अब उसको तो ये मतलब हमारा जो उसकी पोस्टमार्टम करके हमारे को लाश दो ताकि हम उसका संस्कार कर सकें। अब हमारे गांव भी सारा मात में बैठा है, हमारे आस पड़ोस में अभी तक चूल्हा नहीं बढ़ा है और इनको अभी कोरोना की रिपोर्ट की पड़ी हुई है। मतलब अब दोबारा से जो है घूम फिर कर बात कोरोना पे आ रही है? हाँ, मतलब उन्होंने यही बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे कोरोना की रिपोर्ट आती है फिर हम कार्रवाई करते हैं। हाँ जी पूरी जी। तो यहाँ पे डॉक्टर का बचाव किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ऐसा कहना चाहेंगे? पूरा जी, अभी डॉक्टर से जो अंदर बैठे हैं उसने रीना देवी के पति को बुलाया था, मैं साथ में था, तो वो पूरा डॉक्टर के बचाव के पक्ष में है जी। वो भी उसने मतलब पूछा भी, फिर हमने उसको बोला भी ऐसे ऐसे, मतलब उसने हमारे साथ बदतमीजी की, बोला नहीं ऐसा तो होता है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बात करके उसने टाल दी जी। सर आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? नमस्कार जी, मैं इसका रिश्ते में मौसा लगता हूँ जी, कि हमको तो बाद में पता चला रिश्तेदारों को, ये लड़का सवेरे 9 बजे, पहले तो उन्हें जो बहुत ही हमारी ना बेटे की जी। उसने बच्चों के लिए खाना पकाया वगैरह बनाया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार था, जो लेके चलो भी तेरे को वहाँ लिखा लेते हैं, अच्छा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से लेके अपने पाँव में आइए, आपने दिव्यान उसके ले लिए हैं थ्री व्हीलर वाले के, तो इन्होंने आते ही बोला देख करके अभी चलो ये दवाई है, दवाई नहीं उन्होंने पहले दवाई भी यहाँ से नहीं ली है, जबकि मंत्री जी कह रहे हैं माननीय अनिल हेल्थ मिनिस्टर जी भैया हमारे पास सारी सरकारी दवाई है सारा कुछ है, इन्होंने यहाँ से कुछ नहीं कहा, बाहर से दवाई मंगाई है सारी की सारी, तो इन्होंने जी जब इसने 2-3 बार उनको वो डॉक्टर को बोला है जाकर के इसको बुला के सिक्योरिटी वाले को बुला के इसको बाहर कर दिया, उसने ये कहा कि मैं तेरे लिए बैठा हूँ, एक मिनट चुप हूँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसाफ ना मिलने को लेकर जो है सभी एकत्रित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त की बिल्कुल सीधी तस्वीरें कि 5 बजे के खड़े हो जाए, शाम को 5 बजे के खड़े हो यार, इन्होंने क्या किया अब लग? अभी तक वो खाने बिजी हो रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है जी, आप खाने पीने में बिजी है, यहाँ पब्लिक ऐसे परेशान हो रही है, एक तो हमारे यहाँ ऐसे हाथ हो गया, दूसरा हमारे को कोई सुनाई भी नहीं कर रहे हमारे, अभी तक हमारा सारा मातम बैठा है, हमारे जो रिश्तेदार परिवार अकल के भूखे प्यासे बैठे, हमें ये भी चलो जो मालिक ने कर दिया ठीक कर दिया, भी हम संस्कार करा के अपना जो बच्चों को देखेंगे, अपने को अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इनकी कोई मीटिंग चली हुई है, यहाँ पर उनके खाने चल रहे हैं, हमारा मरीज अंदर पड़ा हुआ आए हुए हैं, DC साहब भी आए हैं मीटिंग के अंदर, उधर आए हुए हैं, इनका कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कल का किसी का रिश्तेदारों के इनके अपने गाँव के अंदर चूल्हा नहीं बढ़ा अभी तक, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। तो अब आप लोग एकत्रित होने जा रहे हैं, आपका कहना है कि हम लोग एकत्रित हो रहे हैं जी, अगर हमारी नहीं सुनाई होने 10 मिनट के अंदर अगर हमारी सुनाई नहीं है तो हम हंगामा करेंगे, वहाँ जाके जीट रोड पे जा बैठेंगे, अभी हम जाके आप पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे ना, हम डेड बॉडी उठाएंगे अभी यहाँ से, जब तक उसकी कार्रवाई नहीं होगी हम डेड बॉडी भी नहीं उठाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी जब तक डॉक्टर की हम बॉडी नहीं उठाएंगे। तो दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार्रवाई अमल में ना होने के कारण गुस्साए गाँव के लोग जो है रोड जाम करने की बात जो है कर रहे हैं, इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको मोर्ची हाउस के बाहर से दिखाई जा रही हैं, महिला के जो पति हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उससे पहले भी क्या वो बीमार रहती थी। सर बताएं क्या पहले भी वो बीमार रहती थी? नहीं, पहले बस यही है, कल ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो आप लेकर आए? हाँ, कल 2 दिन पहले हुई थी, कल तो उल्टियाँ लगी थी, बुखार हुआ था, तो ठीक थी है, लेके आए थे यहाँ, बोले 11 बजे छुट्टी कर देंगे, तो उसके बाद डॉक्टर ने कुछ देखा नहीं, मैं सारी दवाई बाहर से लेके आया। सर उसके बाद क्या हुआ, आप उनके साथ बैठे हुए थे, क्या हुआ? नर्स ध्यान रख रही थी, डॉक्टर ध्यान रख रहे थे? ध्यान तो बैठे बैठे रख रहे, मरीज पड़ा यहाँ, डॉक्टर बैठे देख रहे हम। अच्छा, तो आपको आपकी वाइफ के पास नहीं बैठने दिया जा रहा था? बैठा मैं, बैठने कहा दिया जी, ये लेके आ वो लेके आ, बैठे को नहीं मैं उसके पास, तो अटेंडेंट तो रहना चाहिए, अटेंडेंट प्रशासन की जो बहुत बड़ी लापरवाही नजर दिखती आ रही है, क्योंकि कल्पना चावला में जो है गरीब वर्ग ज्यादा ही आता है, वो भरोसा करके आता है, पर इस प्रकार के जो डॉक्टर बोल रहा है मैं तेरे वास्ते हूँ यहाँ पर, डॉक्टर ने एक मैं तेरे वास्ते बैठा हूँ
अच्छा आपको ऐसे बोला गया कि मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ? हाँ, और मरीज भी तो है। सिक्योरिटी गार्ड बुला के ना, इसको सिक्योरिटी गार्ड बुलाया तो बोले इसको बाहर निकाल लो यहाँ से। अच्छा तो फिर डेड बॉडी के साथ आपको बाहर निकाल दिया? नहीं नहीं, डेड मैं अकेला निकाला, जब तक उसको सांस था जी। तब महिला मतलब आपकी वाइफ जो है ठीक थी? जब तक ठीक नहीं थी, थोड़ा तबीयत खराब थी, ज्यादा तबीयत खराब थी। अच्छा आपके रिक्वेस्ट करने के बाद जब आपने कहा कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तो देखा जाए, तो उन्होंने आपको इस तरीके से धुतकारा? ये बोला तेरे वास्ते बैठे, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के मेरे को इसको निकाल लो यहाँ से बाहर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील। तो आपकी क्या अपील रहेगी शासन से? क्या डॉक्टर से आया, डॉक्टर को यहाँ से यहाँ पर लेके आओ, पहले पहले उससे बात करें। बाजे क्यों जी? वो बाजे क्यों जी? डॉक्टर का नाम? नाम तो किसी का भी नहीं, यहाँ किसी का नंबर प्लेट है ही नहीं किसी पे भी। इनको पता है सारा प्रशासन कौन ड्यूटी उस टाइम था डॉक्टर, इनको पता है। उसको आप लेके आएंगे प्रशासन, कोई कारण नहीं, प्लेट थोड़ी काट के किसी नाम पे डॉक्टर के। ठीक है, तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है गुस्साए गांव के लोग जो है प्रशासन से अपील करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, अन्यथा इनके द्वारा जो है आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि इनका कहना है कि ये रोड जाम करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त की बिल्कुल सीधी तस्वीरें। सर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला एक बार ही बताएं प्लीज। कल रीना है जो अपना दर्द गिरने वाली है गुड़िया, इनको हल्का बुखार था, कल एडमिट हुई थी कल्पना चावला में, और कल शाम को इनकी डेथ होगी। परिवार का आरोप है कि जो इसकी डेथ हुई है डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। हमने एप्लीकेशन ले लिया है, जो भी कानूनी इसका प्रोसीजर है वो फॉलो करके कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इनकी शिकायत है कि अभी तक जो है कल 5 बजे से कोई भी इंसाफ इन्हें नहीं दिया गया, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी तक जो है कोई कार्रवाई अमल में नहीं। 10 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाएगा जी, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा। और इनका ये भी कहना है कि यदि कोई जल्द से जल्द ना हुआ तो रोड जाम करेंगे, तो क्या? वो तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है, कोई ऐसी बात नहीं, अभी पोस्टमार्टम 10 मिनट में। तो दर्शकों अभी हमने यहाँ पर मौजूदा SHO संदीप से भी जो है बातचीत की, और इन्होंने जो है गाँव वासी से अपील करते हुए कहा है कि अभी रोड जाम ना करें, आगे की कोई कार्रवाई ना करें। इसी के चलते जो है गाँव वासी अभी थोड़ा शांत हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टिप टॉप हरियाणा, इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दर्शकों साथ ही साथ आप महिला के लिए जो है ओम शांति लिखना ना भूलें, RIP लिखना ना भूलें, उसकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए ओम शांति लिखना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टिप टॉप हरियाणा। मैं हिमांशी टक्कर।